बड़ा बयान दिया है। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अखिलेश के प्रतिद्वंदी होकर चुनाव मैदान में उतरे थे। वर्तमान में भी लोकसभा के उपचुनाव में उनका नाम सामने आ रहा है। अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ बताया है, ये जरा आप भी सुनिए। एसपी सिंह बघेल का नाम मैनपुरी जनपद के प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर आता है। दरअसल विधानसभा के चुनाव में केंद्र में केंद्रीय कानून मंत्री के पद पर आसीन डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव का प्रतिद्वंदी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि एसपी सिंह बघेल को यहां हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से लोकसभा उपचुनाव में एसपी सिंह बघेल का नाम खासा चर्चा में आ रहा है। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तमाम महत्वपूर्ण सवालों का किस तरीके से जवाब दिया है, ये जरा आप ही सुनिए। सर, आप तो मुलायम सिंह यादव के काफी करीब रहे हैं, उनके निधन के बाद मैनपुर सीट पर चुनाव 5 दिसंबर को, सर कैसे बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ेगी और कितनी मजबूती है? भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में रखती है। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष किसी भी उत्तर प्रदेश के थाने के प्रभारी जितने घंटे काम करता है उससे ज़्यादा काम करता है। इसलिए केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो की गई हैं और राज्य सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था मैनपुरी में बहुत काम आएगी। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से बीजेपी के जो पसीना बहा रहे हैं उससे निश्चित तौर से मैनपुरी में कमल खिलेगा। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी थे तब कभी बड़े लीडर ने वहाँ प्रचार नहीं किया, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? ये पार्टी की हाईकमान तय करेगी कि कौन प्रचार में आता है कौन नहीं आता है, लेकिन जिसकी भी ड्यूटी लगती है तो वो लोग आते हैं। तो ये मैनपुरी लोकसभा अजेय नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जाति राजनीति का सबसे मजबूत गठबंधन आपस में लड़ा था, जिसको कहते हैं सपा और बसपा। मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई हचक नहीं है कि बीएसपी के नेता को अपने वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को भी वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज सबसे बड़े नेता सबके लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव वहाँ से चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी से प्रेम सिंह साहब चुनाव लड़े थे। बसपा के गठबंधन के बावजूद श्री मुलायम सिंह यादव 1 लाख की भी जीत का आंकड़ा छू नहीं पाए और 94,000 से वो चुनाव केवल जीत पाए थे। अब बसपा का गठबंधन नहीं है और बसपा, मैं इस इलाके का पटवारी हूँ लगभग यूपी का, बहुजन समाज पार्टी 1 लाख वोट की क्षमता उसकी मैनपुरी लोकसभा में डब्बे के अंदर है, तो ये 1 लाख वोट कम हो जाएगा। नंबर 2 बहन जी ने ट्वीट किया है कि वो चुनाव बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो उनका वोट बैंक स्वतंत्र होगा। जब स्वतंत्र होगा उसको कोई फरमान जारी नहीं होगा, तो फिर वो स्वेच्छा से वोट डालेगा, तो उसको केंद्र सरकार के जो पिछले 3 साल से 5 किलो गेहूं चावल मिल रहे हैं, नमक और तेल मिला है, आवास और शौचालय मिला है, ई श्रमिक कार्ड में 12 योजनाओं का लाभ मिला है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है, अगर एक खटिया के बराबर भी ज़मीन है तो किसान सम्मान निधि की 2000 की 12वीं किस्त उनके खाते में आ चुकी होगी, साक्षात्कार उनके बच्चों के ख़त्म हो गए हैं जिससे नौकरियां पारदर्शी हो गई हैं, वो निश्चित तौर से मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। सर, धर्म परिवर्तन का मुद्दा, फिर हर कोई मुलायम सिंह यादव नहीं होता है, मुलायम सिंह थे वो एक अलग बात थी, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी लोग चुनाव लड़ेंगे तो वो विकृत तो दोबारा नहीं आता है, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। सर, धर्म परिवर्तन का मुद्दा बार बार आता है, सर हो भी रहा है, मेरठ में भी मामला सामने आया, फिरोजाबाद में ये स्थिति बन गई कि एक लड़की को धमकी दी गई कि उसका घरवालों का सर कलम कर दिया जाएगा वहाँ पर उसके बेटे का, तो सर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा इस चीज़ पर, लोग क्यों धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? अंकुश का मतलब है क्राइमलेस सोसाइटी तो गुप्त काल में भी नहीं थी ना, जो भारत का स्वर्ण युग था, लेकिन सपा बसपा की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से अपराध कम हो रहे हैं, वरना नीचे मोटरसाइकिल खड़ी करके जाते ना तो अब तक उठ चुकी होती। जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था माँ दरवाजे पे खड़े होकर चिंता करती थी उसका अपहरण तो नहीं हो गया, दुकानदार अपनी दुकान बंद करके नियत समय से अगर आधा घंटा लेट कहीं हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया गोली तो नहीं लग गई, और किसान रात में सिंचाई करना बंद कर दिया था क्योंकि पकड़ होती थी, नौकरियों में सूचियां आया करती थी। जहां तक धर्म परिवर्तन का मामला है, ये लव जिहाद कोई वो शब्द नहीं है, एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत, एक इन्वेस्टमेंट के तहत
लोग जो है ये टीन एजर्स लड़कियों को बहला फुसला करके शादियां कर रहे हैं। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। अगर किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो एक अलग बात होती है, लेकिन छद्म नाम रख के, धर्म छिपा करके और स्कूलों का पीछा करके, और वो एक बड़ी कच्ची उम्र होती है, उस समय ब्रेन वॉश हो जाता है। जो ये लोग कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आज कैसे आना हुआ सर फौजाबाद में कोर्ट में सर आ जाएंगे, कौन सा मामला था पुराना? इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारें दर को गौर से पहचान लीजिए।